Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin, and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on numerology and astrology with the world-renowned expert in the Vedic science of numerology and astrology, Prem Jyotish Ji. So let's welcome Prem Ji. Prem Ji, hello and welcome to the show. Hello Meher, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone. And today is a very special episode because we will be taking only the emails that you have sent for Prem Ji's help. So let's begin with the first email for today. Prem Ji, pehli email jo aayi hai. This is from Vikas. His date of birth is 9th April 1982. Place of birth is Pune. Time of birth is 9:10 in the morning. His question is, he's having job problems. He's getting laid off. He's not getting any promotion or even any stabilities. And he's having health problem related to his stomach. He wants your help and remedies. देखिए मिस्टर विकास, अगर आप 9 अप्रैल 1982 पुणे, इनका 9:10 सुबह का जन्म है, इनकी वृषभ लगन की कुंडली और जिसमें इनकी तुला राशि है, टॉरस असेंडेंट है और मून साइन जो है उनका लीब्रा है. टॉरस का लॉर्ड भी शुक्र होता है और इनकी जो मून साइन है राशि का लॉर्ड भी शुक्र है जी. एंड इनको दशा चल रही थी गुरु की, बृहस्पति की, जो कि 2001 से शुरू हुई, जो कि इस साल जो है 3 अक्टूबर को इनकी ख़त्म हो गई. अच्छा. गुरु जो है इनकी कुंडली में चंद्र के साथ हेल्थ एरिया में बैठा हुआ है, तो कहते हैं बृहस्पति जो शत्रु है राशि का भी कुंडली में और लग्नेश का भी, तो जब गुरु आ जाए ट्रांजिशन में, दशा जब आ जाए शत्रु ग्रह की, तो वो टाइम जो है करियर वाइज इतनी ग्रोथ नहीं होने देता. बृहस्पति जो है हमारे स्टमक और बैक और हमारी ब्रीदिंग से भी रिलेटेड है. बट इनकी शनि दशा अब स्टार्ट हो गई है. जो शनि जो है शुक्र का सबसे बड़ा मित्र माना जाता है. शनि जो है इनकी कुंडली में मंगल के साथ है, 5th हाउस के अंदर. मार्स के साथ बैठा हो तो एंग्जाइटी और एग्रेसिव करके रखता है, बट एट द सेम टाइम मॉनेटरी गेन जो फाइनेंशियल एरिया में काफ़ी बड़ा सक्सेस देगा. और ये इनका 19 साल का बहुत स्ट्रॉन्ग टाइम है एक्चुअली. सो प्रेम जी, देन व्हाट आर द रेमेडीज एंड हाउ कैन ही मेक श्योर दैट ही डजंट हैव दैट स्टमक प्रॉब्लम एनीमोर? देखिए इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए ताकि लग्नेश लॉर्ड और राशि लॉर्ड स्ट्रांग रहे. एक हीरा पहने, 1 कैरेट का मिडिल फिंगर में प्रिंसेस कट हो, फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में व्हाइट मेटल में पहने जी. तो उससे जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रांग इम्पैक्ट रहेगा. गुरु अगर 6ठे स्थान में हो तो कहते हैं धर्म स्थान में या किसी होमलेस लोगों को जो कहते हैं फूड की, जो खाने की सेवा करनी चाहिए. अगर साल में एक बार अपने बर्थडे के बाद ये किसी होमलेस लोगों को या थर्सडे के दिन जो है खाना कर दे, या किसी धर्म स्थान में जाके ये जो चने की दाल है 1/10 जितना इनका वेट है वो डोनेट कर दें, तो दैट विल हेल्प हिम इन हेल्थ एरिया के अंदर. Thank you, Prem Ji. So like Prem Ji is advising you that you need to do these remedies and of course wear the diamond and things will eventually prove for you because your time for 19 years is going to be excellent. Aur agli email jo hamare paas aayi hai, Prem Ji, this is from Mr. Dhawal. Date of birth is 8th June 1982. Place of birth is Gujarat, India. Time of birth is 2:04 in the afternoon. He's having problems in his marriage and his wife has left the house. He needs to know also about his job and health and if things will become better with him and his wife. देखिए मिस्टर धवल, अगर आप 8 जून 1982, इनका वडोदरा गुजरात, दोपहर के 2:04 का जन्म है. इनकी कन्या लगन की कुंडली है जिसमें इनकी धनु राशि है. कन्या लगन का लॉर्ड होता है बुध, जो सूरज के साथ भाग्य स्थान में बैठा हुआ, जो इनके करियर पाथ में काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करके जाता है जी. राशि का लॉर्ड है गुरु जो है इनकी कुंडली में, वो भी इनके तुला राशि में 2nd हाउस में बैठा हुआ है. दशा इनको चंद्र की चल रही है जो कि 2009 से लेके 2019 23 फरवरी तक रहेगी. चंद्र जो है बुध का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है और साथ में केतु के साथ बैठा हुआ था, लूनर इक्लिप्स भी है, तो इसकी वजह से ये इनकी पर्सनालिटी एंग्जाइटी में, इनको जो एंगर की वजह से काफ़ी इनको इश्यूज रहते हैं. जब भी लग्नेश लॉर्ड के शत्रु की दशा आ जाती है तो हमारी लाइफ में वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. धनु राशि है इनकी, उस पर भी इस जनवरी से 37.5 स्टार्ट हुई हुई है, तो जिसकी वजह से जो इनके रिलेशनशिप में जो है काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट कर गया. इनका टाइम जो है 2019 23 फरवरी तक काफ़ी ख़राब है. एंड 37.5 का जो इम्पैक्ट है इनके ऊपर वो 2020 जनवरी तक रहेगा, तो टाइमिंग इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए इट्स नॉट वेरी ग्रेट एक्चुअली. प्रेम जी, एनी रेमेडीज यू रेकमेंड फॉर हिम टू डू? देखिए एक तो इनको कन्या लगन है तो इनको एक एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 से 6 कैरेट का, अपनी लिटिल फिंगर में गोल्ड के अंदर सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहने,
तो उससे जो है इनका जो है मरकरी जो है स्ट्रांग रहेगा। लूनर एक्लिप्स को ख़त्म करने के लिए इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पे दूध और गंगा जल चढ़ाएँ, एवरी डे मंडे का उपवास करें, एक टाइम खाना खाएँ। और शनि के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए इनको हनुमान जी के पैरों में सिंदूर चढ़ाना चाहिए सैटरडे के दिन में, और मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखे, चेहरा देखने के बाद उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दें, तो उससे जो है जो शनि छाया भी है वो भी खत्म हो जाएगा। एंड प्रेमली द मस्टर्ड ऑयल व्हेन इज ही सपोज्ड टू डू दिस? मस्टर्ड ऑयल हैज़ टू बी डन ऑन सैटरडे। ये आप दिन के वक्त करते हैं, कोई भी जो रेमेडीज होती है आफ्टर सनराइज और बिफोर सनसेट के बीच में करनी चाहिए। थैंक यू प्रेम जी। सो लाइक प्रेम जी इज एडवाइजिंग यू एंड गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन, यू नीड टू डू द हनुमान चालीसा एंड डू द मस्टर्ड ऑयल, लुकिंग इनटू इट एंड थ्रोइंग इट ऑन अ ट्री और अ प्लांट ओनली ऑन अ सैटरडे बिफोर सनसेट। और दोस्तों अगली ईमेल जो आप लोगों ने हमें भेजी है, प्रेम जी दिस इज फ्रॉम मिस्टर PA, ही डजंट वांट हिज फुल नेम सेड ऑन टेलीविजन, डेट ऑफ बर्थ इज Feb 26, 2004, place of birth is New Delhi, time of birth is 2:45. This is a concerned parent who wants his son to go back to California for high school, but since they have a business in another state, they also want to move back there. But her husband is not ready yet, so is there any possibility for them to move back into that area, or it will not work out, and would the son be able to move to California to study? देखिए जो इनका जो बेटा है जो पीयूष, जो Feb 26, 2004 न्यू दिल्ली 2:45 इनका दोपहर का जन्म है, इनकी मिथुन लगन की कुंडली है और जिसमें इनकी मेष राशि है, मिथुन लगन का लॉर्ड होता है बुध, जो इनकी राशि का लॉर्ड है मंगल, और इस वक्त इनको जो दशा चल रही है चंद्र की चल रही है, चंद्र जो है शत्रु होता है बुध का, 2013 से इनकी चंद्र दशा स्टार्ट हुई है जी, जो कि 2023 तक रहने वाली है। अब जब भी चंद्र आएगा कुंडली के अंदर बुध अगर आपका लॉर्ड हो तो उसमें आपको परेशानी या ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी जो विल के अगेंस्ट होती है, जो चीज़ें आप करना नहीं चाहते हैं, और चंद्र राहु के साथ भी बैठा हुआ है तो इसलिए लूनर एक्लिप्स भी है, तो इसलिए काफ़ी मेंटली तौर से भी जो है एंग्जाइटी और जो है वो बनी हुई है। बट चंद्र जो है बुध में जाएगा 2019 अक्टूबर में, उसके बाद जो एक साल का जो पीरियड है शायद उसमें ये चेंज हो सकता है, लेकिन उससे पहले किसी तरह के योग नहीं है। और ये जो पीरियड भी है जो चंद्र दशा का वो भी इतना पॉजिटिव नहीं जाएगा, स्पेशली एजुकेशन और फोकस में काफ़ी इश्यूज रहेंगे। सो देन प्रेम जी, व्हाट कैन द कंसर्न मदर हु सेंड द ईमेल फॉर हर सन कैन डू फॉर द सन हिमसेल्फ और व्हाट शी कैन डू फॉर हिम? देखिए एक इनको एमरल्ड पहना के रखना चाहिए 5 to 6 carat का, रिंग फिंगर में गोल्ड के अंदर सुबह 7 to 8 के बीच में वेनसडे के दिन पहनाया जाए। लूनर इक्लिप्स को ख़त्म करने के लिए इनको लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पे दूध और गंगा जल चढ़ाएं मंडे के दिन, सोमवार का ये उपवास करें, इनके लिए एक टाइम खाना खाएं, जिससे ओवरऑल इनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएंगे। थैंक यू प्रेम जी। सो लाइक प्रेम जी इज गाइडिंग यू एंड एडवाइजिंग यू दैट फ्रॉम 2019 थिंग्स विल डेफिनेटली इंप्रूव फॉर योर सन, ही विल गो टू कैलिफोर्निया टू स्टडी, बट एज लॉन्ग एज यू डू द रेमेडीज। और दोस्तों वक्त आ गया फॉर अस टू टॉक अबाउट द वीकली हॉरोस्कोप, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट ज़ोडियक साइन एरीज। सुप्रीम जी, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर एरीज फॉर दिस वीक? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए थोड़ी पेशेंस बना के रखनी है आपको इस वीक के अंदर, मेंटेन रखिएगा अपनी पेशेंस जो भी आप काम कर रहे हैं, अदरवाइज आपका जो है टेंपर जो है जो आप लूज कंट्रोल कर जाएंगे चीज़ों के ऊपर, क्योंकि काम के ऊपर बहुत सारा प्रेशर बना रहेगा आपके ऊपर, जिसकी वजह से काफ़ी गलतियाँ करेंगे जो भी आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं काम के ऊपर। टॉरस फॉर दिस वीक? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए जो भी आपके गोल्स हैं उसको आप पूरा कर जाएंगे, आपकी जो कड़ी मेहनत है वो आपको काफ़ी आगे लेके जाएगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, आप गरीब लोगों की मदद करेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी होगा। जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए फाइनेंशियल डेवलपमेंट है इस हफ्ते के अंदर काफ़ी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ भी जो अच्छी बनी रहेगी, आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे, काफ़ी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग रहेगी, हैप्पीनेस रहेगी थ्रू आउट द वीक के अंदर, और थोड़ा समय अपने परिवार के साथ भी बिताइएगा इस वीक के अंदर। एंड कैंसेरियन? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए इट विल बी गुड फॉर यू, जो अगर आप अपने पैसे को केयरफुली हैंडल करें इस वीक के अंदर, आपका जो बैड मूड है वो इफेक्ट करेगा आपकी टाइज आपकी फैमिली के साथ, माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, फाइनेंशियली ये आपके लिए एवरेज वीक है। थैंक यू प्रेम जी फॉर दोज वंडरफुल प्रेडिक्शंस। और दोस्तों लेट्स कंटिन्यू विद द स्पेशल एपिसोड टुडे व्हिच इज ऑल अबाउट द ईमेल्स दैट यू सेंड फॉर प्रेम जीज हेल्प। और अगली ईमेल जो हमारे पास आई है,
Prem Ji, this is from a gentleman. He doesn't want his full name said on TV, so he wants to be addressed as Mr. P.S. Date of birth is September 29th, 1964. Place of birth is Jharkhand. Time of birth is 5:05 in the evening. He says he's an IT professional. He's working in the telecom industry for the last 6 years. But recently, he's gotten laid off. He was told by his manager that they will call him back. He says he has no issue getting a job, but the work performance or getting a permanent position was offered, but it never does go into any completion. So he doesn't get to be promoted. He doesn't get to be where he wants to be when he applies for the job. So what is the hurdle which is coming his way? And is there any planet situated in his horoscope which is probably causing this? And he wants to know whether he'll get a call back to go back to his old job. Look, Mr. P.S., if you are 29 September 64, inka Jharkhand Ranchi ka 5:05 shaam ka janam hai. इनकी मीन लगन की कुंडली और जिसमें इनकी मिथुन राशि है, मीन लगन का लॉर्ड होता है बृहस्पति, जो राशि का लॉर्ड है इनका बुध, बृहस्पति जो है इनका थर्ड हाउस में है, टॉरस में बैठा हुआ है, जो कि साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है। दशा इनको केतु की चल रही है, केतु जो है 10वें स्थान में है, जिसके ऊपर चंद्र की दृष्टि है, क्योंकि चंद्र और राहु साथ में है तो लूनर इक्लिप्स भी है। तो जब से केतु की दशा लगी है इनको 2011 से, तब से इनका करियर आगे बढ़ ही नहीं पाया जैसे इनकी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी जी। और इस साल केतु जो है शनि में गया एंड शनि से निकल के जैसे ये बुध में आया, सितंबर के बाद से बुध जो है गुरु का भी शत्रु होता है और चंद्र का भी, तो इसलिए इनका जो करियर है एक तरह से वो थम सा गया, या इनकी ग्रोथ, या इनको ऑल ऑफ द सडन इनको बुरी खबर आ गई कि आपके पास जॉब नहीं है जी। अब ये टाइम इनका 15 सितंबर तक नेक्स्ट ईयर तक चलेगा, फिर इनको शुक्र दशा आएगी 20 साल के लिए। शुक्र भी जो है इनकी कुंडली में कर्क राशि में बैठा हुआ है मंगल के साथ। वैसे तो शुक्र जो है गुरु का शत्रु माना जाता है, लेकिन जब वो मंगल के साथ बैठ जाए, कर्क राशि में बैठ जाए, जो सारे गुरु के मित्र हैं, तो वो जो इनका जो टाइम है अगले साल का, जो 20 साल का, वो इनका स्टेबल टाइम रहेगा जिसमें इनको स्टेबिलिटी आ जाएगी। और इस पीरियड में कई बार हमारे को तो वापस देश में भी ट्रैवल करना पड़ जाता है जब केतु में बुध का ट्रांजिशन चलता है जी। जी, सो प्रेम जी, देन व्हाट आर द रेमेडीज फॉर हिम टू डू दैट इन केस ही डिसाइड्स टू स्टे इन दिस कंट्री? सो इज देयर, डू यू सी अ बेटर जॉब फॉर हिम और इट्स अ बेटर आइडिया फॉर हिम टू मूव बैक टू इंडिया? देखिए, इनको क्योंकि चंद्र चौथे स्थान में है कुंडली के अंदर, तो रहना तो इनका विदेश में ही बनता है, क्योंकि जन्म भूमि है इनकी भारत और कर्म भूमि यहाँ पे है। इनको एक जो है येलो सफायर पहन के रखना चाहिए 5-6 कैरेट का अपनी इंडेक्स फिंगर में, थर्सडे के दिन सुबह 7-8 बजे के बीच में पहने गोल्ड के अंदर, गुरुवार का उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं दिन के वक्त, ये फल फ्रूट जूसेस लें, और लूनर इक्लिप्स को शांत करने के लिए इनको लॉर्ड शिवा की भी पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग पे दूध और गंगा जल चढ़ाएं मंडे के दिन से, और उसको कंटिन्यू रखें। जो मिल्क और गंगा जल गिर जाता है तो उसको बाहर प्लांट्स में भी कर सकते हैं। और केतु के प्रभाव को शांत करने के लिए थर्सडे के दिन अगर ये जो काले सफ़ेद जो तिल होते हैं उसको आप अगर किसी भी टेंपल में थर्सडे के दिन जाके एक बार डोनेट कराएं, तो उससे जो है इनका जो करियर जो है वापस रिवाइव हो जाएगा, सेम जॉब नहीं तो दूसरी जगह तो इनको मिल ही जाएगी। थैंक यू प्रेम जी। सो लाइक प्रेम जी इज एडवाइजिंग यू दैट यस, यू विल फाइंड स्टेबिलिटी इन द जॉब दैट यू आर लुकिंग फॉर, यू विल फाइंड द राइट प्रमोशन, एंड एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू टू डू दीज रेमेडीज। और अगली ईमेल जो हमारे पास आई है, Prem ji, this is a lady, she doesn't want a correct name said on TV, she wants to be addressed as Yasmin S. Her date of birth is 18 September 1988, place of birth is Delhi, India, time of birth is 4:30 in the evening. She's going through a very difficult time since she got married in October 2011 on October 29th, and from November, which is the very next month, everything she says seems to be falling apart. Her husband is not nice to her, he insults her, her boss also has started insulting her. So she says she apparently thinks she has Sade Sati till 2020. So should she be quiet as far as the job is concerned with the boss and as far as the relationship with the husband is concerned, and wait for Sade Sati to be over for things to work out for her? Her main concern is also, when will the financial situation for her improve? When will they be able to buy a house and be blessed with a child? She wants your guidance. देखिए यास्मीन, अगर आप 18 सितंबर 88, इनका दिल्ली 4:30 शाम का जन्म है, इनकी मकर लगन की कुंडली और जिसमें इनकी जो है वृश्चिक राशि है, मकर लगन का लॉर्ड होता है शनि, एंड जो इनकी राशि का लॉर्ड है वो है मंगल, और इनको 2014 से साढ़े सती लगी हुई है जो कि 2020 तक रहेगी, एंड इस वक्त इनको जो दशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है,
शुक्र में जब राहु था तो तब इनकी शादी हुई थी। राहु जो है इनकी कुंडली में सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो फैमिली एरिया में, तो पर्सनल लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, कई बार सेपरेशन जैसे भी योग बन जाते हैं कुंडली के अंदर। अब इस वक्त इनको दशा में भी शुक्र में शनि चल रहा है, शनि जो है कुंडली में 12वें स्थान में बैठा हुआ है, 12वें स्थान में अगर शनि और साढ़े सती हो तो अपने काम पे ऊपर भी स्ट्रेस बना रहता है, आदमी डिप्रेशन और एंजाइटी में बना रहेगा। जैसे इनकी साढ़े सती हटेगी 2020 में तो चीज़ें थोड़ी काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी, उससे पहले तो टाइम इनका काफ़ी जो गड़बड़ वाला है। सो देन प्रेम जी, रेमेडीज फॉर हर टू डू सो दैट शी हैज़ अ बेटर जॉब सिचुएशन, अ बेटर हस्बैंड सिचुएशन एंड अ बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन टू बाय अ हाउस। देखिए शनि जो वेल्थ का भी लॉर्ड है तो इनको एक ब्लू सफायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी मिडिल फिंगर में सिल्वर या वाइट मेटल में डाले सैटरडे के दिन से, जिससे जो है इनका जो शनि है जो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। राहु को शांत करने के लिए इनको क्या करना चाहिए, 20 ग्राम की सिल्वर ब्रिक लेनी चाहिए। अच्छा। उसको एक गंगा जल में धो के अपने वॉलेट में रखें थर्सडे वाले दिन से, तो इनकी पर्सनल लाइफ में जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। सैटरडे के दिन के इनको मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखनी चाहिए, उसको किसी स्टील बाउल में डालें, फिर अपना चेहरा देखें उसमें लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पर गिरा दें, उससे जो है शनि का जो प्रभाव है वो भी शांत हो जाएगा। अगर ये किसी तरह अपने हस्बैंड से फिर से फेरे ले सकते हैं टेंपल में तो उससे ओवरऑल इनकी जो पर्सनल लाइफ है और भी पॉजिटिव हो जाएगी। थैंक यू प्रेम जी। सो प्रेम जी इज एडवाइजिंग यू दैट थिंग्स विल इंप्रूव फॉर यू एज लॉन्ग एज यू कंटिन्यू डू द रेमेडीज दैट ही हैज टोल्ड यू, एंड बी पेशेंट, योर बॉस विल टर्न अराउंड एंड ऑफ कोर्स सिचुएशन विद योर हस्बैंड विल ऑल्सो इंप्रूव। और अगली ईमेल जो हमारे पास आई है, वी हैव एन ईमेल फ्रॉम समबडी अगेन हु डजंट वांट द फुल नेम सेड ऑन टीवी, शी वांट्स टू बी एड्रेस्ड एज एसटी। Date of birth is December 7, 1994. Place of birth is Jammu City. Time of birth is 7:27 in the evening. She has graduated from the university in June this year and has been looking for the job in the same field. She's had 2 successful interviews but does not seem to be working out. She is feeling that she's unemployed. She's unsure whether what she should be doing with her career, and it's not the time, she says, is going in her favor. So she's very concerned about it. Secondly, she also says she's quite young and she wants to be happy and love. She wants to get married, but she's unfortunately had poor choices in men. So she's been completely single and feeling very alone. So her 2 concerns are whether she'll find a better career for herself and second a better man for herself. देखिए मिस एसटी, अगर आप December 7, 1994 इनका जम्मू कश्मीर का जम्मू सिटी का 7:27 PM का शाम का जन्म है जी। इनका मिथुन लगन है और जिसमें इनकी मकर राशि है, जेमिनी एसेंडेंट है और मून साइन इनका कैप्रिकॉन है। जेमिनी का लॉर्ड है बुध जो सूर्य और गुरु के साथ इनके 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। 6ठे स्थान में बुध जो है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करके जाता है। दशा इनको राहु की चल रही है जो कि 2001 से लेके 2019 जो है 3 अक्टूबर तक रहेगी। राहु जो है कुंडली में शुक्र के साथ बैठा हुआ है 5th हाउस के अंदर। वीनस जो लव रिलेशनशिप का लॉर्ड है, अगर राहु बैठ जाए साथ में तो एक्लिप्स कर देता है, इसलिए बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट्स और नेगेटिव चीज़ें लाइफ के अंदर आती हैं। एंड दशा में इस वक्त इनको राहु में जो है चंद्र चल रहा है, जो कि चंद्र में राहु चले तो लूनर एक्लिप्स होता है, तो इसलिए जॉब को लेके भी काम को लेके भी जो ऐसी सेटिस्फैक्शन नहीं रहती, तो एक डिप्रेशन या एक एंजाइटी भी रहती है। बट जैसे ही इनकी राहु दशा ख़त्म होगी जी 2019 में अक्टूबर में, फिर इनका गुरु दशा आएगी। गुरु जो है बुध के साथ बैठा हुआ है और सूरज के साथ, तो बुध भी साथ में एक्टिवेट हो जाएगा जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करके जाएगा। थैंक यू प्रेम जी, लेकिन हाउ इज इट दैट शी कैन मेक श्योर दैट इट वर्क्स फॉर हर, व्हाट आर द रेमेडीज यू रेकमेंड? देखिए कुंडली का लॉर्ड बुध है, बुध जो है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेल्स का जो लॉर्ड है, तो करियर वाइज इनका फोकस उस एरिया में होना चाहिए। एक इनको एमरल्ड पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का, अपनी लिटिल फिंगर में गोल्ड में पहने बुधवार के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, उससे जो है इनका जो मरकरी जो है हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा जी। एंड दूसरा इनको ये राहु को शांत करने के लिए एक 50 ग्राम का अगर ये एलिफेंट ले ले, उसको एक ग्लास जार में गंगा जल डालें, उसमें अगर वो एलिफेंट रख के उसको बंद कर दें तो उससे राहु जो है वो भी शांत हो जाएगा, तो चीज़ें पहले से ही मूव करनी दिखनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू प्रेम जी। सो लाइक प्रेम जी
advising you that things will improve for you eventually, but as long as you do the remedies and make sure that the silver elephant you have, the trunk is up and it's a solid elephant, put it in a Ganga Jal and shut the jar and put it in your temple, or you'll see a big difference. Aur dosto, waqt aa gaya for us to talk about the weekly horoscope. So let's begin with the next zodiac sign, Leos. So Premji, what are the predictions for Leos for this week? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए, काफ़ी आप स्ट्रांग और डिटर्मिनेशन आपकी बनी रहेगी इस वीक के अंदर, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलेगा। आप दूसरे किस लोगों को कैसे प्लीज करते हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपको काफ़ी आगे लेके जाएंगे। आप अपने लॉन्ग टर्म्स जो गोल्स हैं उनको प्लान करेंगे, जो भी आपके टास्क हैं आप उनको, जो भी आपको असाइन किए गए हैं वो आपको उसको क्विकली उसको ख़त्म भी कर जाएंगे। वर्गो फॉर दिस वीक। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे रिगार्डिंग योर फाइनेंसिस को लेके। आप विटनेस करेंगे इंक्रीज, आपके बैंक बैलेंस जो है इस हफ्ते में काफ़ी बढ़ जाएगा। इन्जॉय करेंगे हैप्पी मोमेंट्स अपनी फैमिली, स्पेशली अपने फादर के साथ। जनरल हैप्पीनेस ओवरऑल इस वीक के अंदर काफ़ी बनी रहेगी, स्पेशली आपकी फैमिली के लिए। लिब्रा फॉर दिस वीक। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए, जो फोकस है आपका उतना नहीं बना रहेगा, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि आपका पैसे का भी नुकसान हो सकता है। अपने जो फाइनेंशियल मैटर को थोड़ा केयरफुली हैंडल करिएगा, क्योंकि इस वीक के अंदर आप ट्रैवल भी करेंगे जहाँ पे आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। एंड स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए, काफ़ी अच्छा वीक है आपके लिए, काफ़ी डिलाइटेड रहेंगे आप। आपके जो इवेंट्स और जो चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं, आपका जो काम है वो उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, स्पेशली जो आपके सुपीरियर्स हैं। आप काफ़ी खुश रहेंगे और अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलेगी उसी वजह से आप काफ़ी आगे भी अच्छा करेंगे। थैंक यू प्रेम जी फॉर द वंडरफुल प्रेडिक्शंस। और दोस्तों, लेट्स कंटिन्यू विद द स्पेशल एपिसोड फॉर टुडे, व्हिच इज बेस्ड ऑन ऑल द ईमेल्स यू हैव सेंट अस फॉर प्रेम जीज हेल्प। और प्रेम जी, अगली ईमेल जो हमारे पास आई है, प्रेम जी, दिस इज फ्रॉम अ लेडी, हर नेम इज एम एफ, doesn't want the full name said on TV. Date of birth is July 12, 1970. Place of birth is Belize City, Central America. Time of birth is 6 in the morning. She's been jobless for the last 13 years and says has got very bad luck in love affairs. Wants to know about the future, what it holds for her, and any changes in the life that may be needed to be done, and wants your guidance. देखिए, अगर मिस एम एफ, अगर आप 12 जुलाई 1970 बेलीज सिटी, इनका बेलीज सेंट्रल अमेरिका, 6 बजे सुबह का जन्म है, इनकी कर्क लगन की कुंडली है और जिसमें इनकी तुला राशि है, कैंसर असेंडेंट है और मून साइन इनका जो लीब्रा है, और इनको दशा शनि की चल रही है जो कि 2005 से लगी हुई है। जब से शनि दशा आई है इनकी लाइफ में, इनका करियर और इनकी पर्सनल लाइफ को डैमेज कर गया, क्योंकि शनि 10वें स्थान में बैठा हुआ है मेष राशि के अंदर और चंद्र की दृष्टि है उसके ऊपर, तो विषयोग बन गया। और गुरु जो है, जो मेल प्लैनेट है, वो तुला राशि में मेलिफिक हुआ हुआ है, तो इसलिए लाइफ में हमेशा इनके रॉन्ग इनकाउंटर्स हुए, गलत लोगों के साथ मिलना जुलना आना, और जिसकी वजह से हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही रही है। अब शनि दशा इनकी जो है अनफॉर्चुनेटली 2024 तक रहने वाली है। जब तक शनि दशा है तो शनि अपना जो है रोल जो है काम को जो आदमी के ख़राब करके जाता है, लेकिन जैसे ही शनि इनका गुरु में जाएगा 2022 में, उसके बाद से इनकी जो लाइफ की जो चीज़ें हैं थोड़ी सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। उससे पहले इनका टाइम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है। सुप्रीम जी, देन व्हाट आर द रेमेडीज यू रेकमेंड? देखिए, कुंडली का लॉर्ड इनका जो है चंद्र है, तो इनको एक पर्ल पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी लिटिल फिंगर में, मंडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में सिल्वर में पहने, और शनि के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए मस्टर्ड ऑयल में अपने फेस की रिफ्लेक्शन देखें, उसको किसी स्टील बाउल में डालें, फिर चेहरा देखने के बाद उसमें एक लौंग डाल दें, उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिराएं, लॉर्ड शिवा की पूजा करें, मंडे का उपवास करें, एक टाइम खाना खाएं, उससे जी ओवरऑल इनकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू प्रेम जी। सो प्रेम जी इज एडवाइजिंग यू दैट थिंग्स विल टर्न अराउंड फॉर यू, यू नीड टू बी पेशेंट एंड यू विल फाइंड सक्सेस इन द sphere of business or the professional job that you're looking for. Just be patient and do the remedies that Premji has told you. Aur agli email jo hamare paas aayi hai, this is from Amarjeet Kaur. Date of birth is August 29, 1974. Place of birth is Singapore. Time of birth is 12:30 in the morning. She wants to know as to which is the correct stone for her to wear, because she says she's a Virgo. So she wants to be successful in everything she's doing and wants your help. देखिए अमरजीत कौर जी, अगर आप 29 अगस्त 1974 सिंगापुर रात के 12:30 बजे का आपका जन्म है, इनकी वृषभ लगन की कुंडली और जिसमें इनकी धनु राशि है, टॉरस असेंडेंट है, मून साइन सेजिटेरियस है, टॉरस का लॉर्ड है इनका शुक्र जो इनकी कुंडली में 3rd स्थान में बैठा हुआ है कर्क राशि के अंदर, जो कि काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है।
दशा इनको बृहस्पति की शुरू हुई है, जबकि बृहस्पति नेगेटिव माना जाता है, लेकिन बृहस्पति शनि की राशि में बैठा है, शनि शुक्र का मित्र है, तो वो नीच प्लैनेट भी इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट कर गया। तो टाइमिंग इनकी 2015 से लेके 2031 तक बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और करियर पाथवाइज। एंड प्रॉब्लम इनकी कुंडली में एक ही है कि इनका राहु 7th हाउस में है, जो रिलेशनशिप एरिया में बैठा हुआ है, जो उस एरिया में लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन देके जाता है, तो उस चीज़ को इनको रेक्टिफाई करना चाहिए। और प्रेम जी, एनी रेमेडीज यू रेकमेंड फॉर हर टू डू फॉर दैट एंड स्टोन्स दैट यू रेकमेंड? देखिए, टॉरस इनकी कुंडली का लॉर्ड है, तो इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, मिडिल फिंगर में एक कैरेट का पहने फ्राइडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, उससे जो है लग्नेश लॉर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। थर्सडे का इनको फास्ट करना चाहिए, एक टाइम खाना खाएं, दिन के वक्त फल फ्रूट जूसेस लें, नहीं तो वेजिटेरियन बने रहें उस दिन। एंड दूसरा, राहु को शांत करने के लिए इनको एक 70 ग्राम की ब्रिक लेनी चाहिए, अच्छा। सिल्वर की, जिसको एक ग्लास जार में गंगा जल में डाल के अपने घर में रख दें या पूजा स्थान में, जिसमें राहु शांत हो जाएगा, तो कि इनकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। थैंक यू प्रेम जी। सो प्रेम जी इज एडवाइजिंग यू दैट यू नीड टू वेयर द स्टोन विच वर्क्स फॉर यू इज डायमंड, एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ सिल्वर ब्रेक, यू इमर्स इट इन गंगा जल, पुट इट इन अ कंटेनर विच हैज़ अ लिड एंड पुट इट नियर योर टेम्पल एंड यू विल सी थिंग्स वर्किंग आउट फॉर यू। और प्रेम जी, अब वक्त आ गया फॉर अस टू टॉक अबाउट द वीकली हॉरोस्कोप, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट ज़ोडियक साइन सजिटेरियस। सो प्रेम जी, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस फॉर सजिटेरियस फॉर दिस वीक? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए, जो जॉब फ्रंट है काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए, यू नीड टू प्लान की ताकि आप अपने काम को टाइम के ऊपर फिनिश कर पाए। फाइनेंशियली के लिए, पैसे गेन करने के लिए इतना हेल्दी वीक नहीं है, आपके जो खर्चे हैं एक्सपेंसेस हैं इस वीक के अंदर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको वरी भी रहेगी। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए, जो भी आपके जो कॉम्प्लेक्स वाले जो टास्क थे उनको आप पूरा कर जाएंगे, आपको गेन होगा जो भी आपने मेहनत करी है, जो एक्स्ट्रा हार्डवर्क डाला उसके लिए, फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, आपका बैंक बैलेंस भी इस वीक के अंदर काफ़ी बढ़ जाएगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, थोड़े डिस्प्यूट बने रहेंगे फैमिली मैटर्स को लेके, ये वीक रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंग्जाइटी पूरी बनी रहेगी, बट जो काम है आपको काफ़ी बिजी रखेगा और ऑक्यूपाइड करके भी रखेगा। एंड पाइसिस? पाइसिस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, आपको अवॉइड करना चाहिए किसी तरह का भी मेजर डिसीजन इस वीक के अंदर, थोड़ा केयरफुल रहिएगा जो भी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एरर कर सकते हैं जब भी आप कोई परफॉर्मेंस या कोई टास्क कर रहे हैं अपने लिए, थोड़ी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपको सक्सेस पूरा मिले। थैंक यू प्रेम जी, यू केम टू द शो एंड हेल्प ऑल द व्यूअर्स विद द ईमेल्स दैट दे सेंट विद द प्रॉब्लम्स। और दोस्तों, वक्त आ गया फॉर अस टू से गुड बाय टू यू, लेकिन जाने से पहले, इफ़ यू फील दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, कुड बी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली लाइफ और इवन योर चिल्ड्रन, फील फ्री एंड ईमेल अस एट prem@premjyotish.net। दिस इज मेहर भसीन अलॉन्ग विद प्रेम जी सेइंग नमस्ते, सी यू नेक्स्ट वीक।